दोस्तों, नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है नितिन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोअर थर्ड क्रिएट करते हैं एडोबे प्रीमियर प्रो में। यह बहुत ही आसान है और आज मैं आपको सबसे इजी मेथड बताने वाला हूँ लोअर थर्ड बनाने की। फ्रेंड्स, लोअर थर्ड होता क्या है, आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे होंगे या फिर किसी टीवी चैनल्स पे किसी एक्टर्स का इंटरव्यू देखा होगा, तो वहाँ पर जो नीचे नाम लिख के आता है उसका स्लाइटली धीरे से आता है, फिर चले जाता है या नीचे से आता है, ऊपर गायब हो जाता है। तो ये कैसे हम बनाते हैं, तो वो आज हम देखेंगे कि एडोबे प्रीमियर प्रो में यह लोअर थर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं हम यह कैसे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एडोबे प्रीमियर प्रो सीसी 2017 इंस्टॉल किया हुआ है और इसी पे हम आज काम करने वाले हैं। तो ये एडोबे प्रीमियर प्रो सीसी 2017 का लेआउट है। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट एरिया दिया हुआ है, ये टाइमलाइन है, यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा और यहाँ कंट्रोल चीज़ें दी हुई है जिससे हम कंट्रोल करते हैं इफ़ेक्ट। इस तरफ मेनू दिए हुए हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं जिसका हमें लोअर थर्ड क्रिएट करना है जिसके लिए। तो यहाँ डबल क्लिक करता हूँ मैं सिंपली और जहाँ पर भी आपका वीडियो सेव है वहाँ से आपको उठा लेना है। मेरा यहाँ पे सेव है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब क्या करना है, मुझे जितना वीडियो चाहिए उतना ही लेना है, मुझे पूरा लमसम वीडियो नहीं लेना है यहाँ पर। तो मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ पहले। यहाँ पर सिंपली आपको डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से प्ले कर सकते हैं आप इसे इस तरीके से। और ओके, मैं स्टॉप कर देता हूँ इसे यहाँ पे। अब मुझे यहीं तक वीडियो चाहिए। वैसे तो ये 23 सेकंड का वीडियो है लगभग, लेकिन मुझे कुछ 4 सेकंड का ही चाहिए तो मैं यहाँ पर कट आउट कर देता हूँ, मार्क आउट कर देता हूँ, जिसकी शॉर्टकट ओ है और मार्क इन करने की आई है, तो मार्क आउट कर देता हूँ मैं यहाँ तक। और इसे अपने सिर्फ वीडियो को मैं जो है टाइमलाइन पे लाना चाहता हूँ, तो वीडियो को आप यहाँ से ला सकते हैं और ड्रैग करके, और साथ में ऑडियो भी चाहिए आपको तो फिर बीच में पकड़ के आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन मैं आज जो है सिर्फ वीडियो ड्रैग करना जा रहा हूँ। तो यहाँ से सिर्फ वीडियो मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो है ऑटोमेटिकली हमारी टाइमलाइन यहाँ पर विजिबल हो गई है और वीडियो जो है वीडियो टाइमलाइन पे आ गया है। ये वीडियो टाइमलाइन फर्स्ट आप देख सकते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड और भी आगे बढ़ते जाती है ऊपर अगर आप और ऐड करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसे, ये दिख रहा है। अब हम चलते हैं लोअर थर्ड क्रिएट करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले लेआउट पर और यहाँ से न्यू आइटम पे क्लिक करना है आपको, यहाँ से टाइटल पे क्लिक करना है। आपको टाइटल का नाम देना है तो दे सकते हैं किसी का नाम भी, मारिया जोसेफ नाम दे देता हूँ इसका एंड ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा टाइटल का विंडो ओपन हो गया है, क्रिएट कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद वाइट कलर है तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ अभी। सिंपली आप राइट साइड में देख सकते हैं ये आई ड्रॉपर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ कलर पे क्लिक करता हूँ। ये रेड कलर थोड़ा लाइट रेड है तो मैं ये लाइट रेड ले लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने एक जो है रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, और भी अगर आपको दूसरे कलर देना चाहें तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके लीनियर ग्रेडियंट कर सकते हैं, जिसमें आप दो कलर मिक्स कर पाएंगे एक साथ और चार कलर भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप चार कॉर्नर पे चार कलर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक सिंपली लोअर थर्ड क्रिएट करना बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ मैं सॉलिड ही रखता हूँ। तो एक हमने रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, अब हम एक और दूसरा इसी के ऊपर क्रिएट करने जा रहे हैं। फिर से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया इसके ऊपर। और दोस्तों, मैं इस बार इसको दूसरा कलर देने जा रहा हूँ, फिर से यहाँ पर मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो हम इसे रिसाइज भी कर सकते हैं,
सिलेक्ट टूल लेना है आपको यहाँ से। अगर जो आपको बॉक्स है ये रेक्टेंगल आपका बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस मॉडल का नाम दे देते हैं जो हमने नाम रखा है टेम्परेरी। तो टाइप टूल में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से एक हम मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है वो ले लेता हूँ मैं, रोबेटो। शायद ये फॉन्ट आपके पास ना हो तो आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, ये जस्ट एक सिंपल बताने के लिए मैं रोबेटो ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं बोल्ड रख लेता हूँ, ठीक है। और कलर इसका मैं दे देता हूँ अभी, जस्ट अभी वाइट में मुझे टाइप करना है इस वजह से दिखेगा, नहीं तो मैं ब्लैक कलर रख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक कर देना है मुझे, और हमने नाम क्या रखे थे इसका, मारिया। तो अब हम इसे मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से मूव सिलेक्ट टूल की सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मूव कर दीजिए। लेकिन ये जो है काफ़ी अभी बड़ा दिख रहा है, जो हमने रेक्टेंगल बनाए हैं उससे बाहर जा रहा है नाम। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको एक सॉरी अंडो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ मैं। और इसके फॉन्ट का साइज जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, साइज फॉन्ट का मैं कम करता हूँ। फिर से मैं टाइप टूल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुकिंग देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस बार सिर्फ जोसेफ को सिलेक्ट करूँगा। सॉरी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली सिलेक्शन दिख रहा नहीं होगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मूव टूल से सिलेक्शन टूल से इस एरिया में लेके आ जाता हूँ। अब टाइप टूल ले लेता हूँ यहाँ से और इस जोसेफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अभी दिख रहा है सिलेक्शन हो गया है। ये जोसेफ को सिर्फ मैं यहाँ से जो है स्लाइटली पतला कर दूंगा, यानी बोल्ड नहीं रखना है हमें, इसे थोड़ा अलग ही लुक देना है। तो ये जोसेफ मैंने यहाँ से पतला कर दिया और इस सारे फॉन्ट का कलर मैं अभी सिलेक्ट ऑल कर लिया है कंट्रोल ए से, और वाइट देने वाला हूँ। ये वाइट कलर मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आइए चलते हैं, अब हम फिर से सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और हमें यहाँ पर इस बार लोगो लगाना है, इस वजह से मैं इस रेक्टेंगल को जो है दोनों को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। परफेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, जो है मारिया जोसेफ हमने लिख दिया है, पीछे में डिज़ाइन भी दे दिया है। अब चलते हैं हम यहाँ पर एक लोगो इंसर्ट कर लेते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है कहीं पर भी वीडियो में, और यहाँ पर ग्राफिक आप देख सकते हैं, इंसर्ट ग्राफिक। मैं हमारे डेस्कटॉप में मैंने एक मेरा लोगो रखा हुआ है ये। तो ये जो है PNG फाइल है और फोटोशॉप से बनाया हुआ है मैंने, 70 KB की है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये काफ़ी बड़े इस पर ओपन हो गई है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने छोटा कर लिया। अब ऑलरेडी हमारा सिलेक्शन टूल है एक्टिवेट है, तो मैं इसे सीधा मूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे एनिमेशन देते हैं। तो यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रख देना है और यहाँ से क्लोज कर देना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लेयर जो है मारिया जोसेफ की यहाँ पर तैयार हो गई टेक्स्ट वाली। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसकी 4 कॉपी बना लेते हैं। कॉपी करना है आपको और पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पर 4 हमने जो है लेयर उसकी तैयार कर लिए हैं। अब मैं ईच इंडिविजुअली लेयर को जो है रिनेम कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने 4 जो है लेयर तैयार कर लिए हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर वाली पे डबल क्लिक करूँगा ये। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, इस लेयर में मुझे क्या करना है, सिर्फ जो रेड वाला रेक्टेंगल दिख रहा है वही रखना है, बाकी सारी चीज़ें को डिलीट कर दूँगा मैं, डिलीट कर देना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है, इस पे कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिए तो डिलीट हो जाएगा। अब जो है ब्लू वाला डिलीट हो जाएगा। अब लोगो डिलीट करना है, लोगो डिलीट कर दिया मैंने, सिर्फ एक ही रखता हूँ मैं, रेड वाला रेक्टेंगल, और यहाँ से क्लोज। अब सेकंड पे करना है, सेकंड पे भी सेम कीजिए आप, यहाँ पर सिर्फ जो ब्लू वाला रेक्टेंगल रखना है। तो ये आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, एक के बाद एक जो हमने ऐड किए थे वही सारी चीज़ें यहाँ पर करना है, सेपरेट सेपरेट करना है। अब ये टेक्स्ट बनाएंगे हम, इसको सिर्फ टेक्स्ट रखेंगे, यहाँ पर नाम रखेंगे। अब फोर्थ नंबर पे सिर्फ मुझे लोगो रखना है। टेक्स्ट को डिलीट किया, ब्लू रेड डिलीट लोगो, ओके क्लोज। तो इस तरीके से हमने सब में एक एक चीज़ें ही रखी हुई है यहाँ पे। अब हम इसे टाइमलाइन पे लेके आते हैं अपने वीडियो के। सबसे पहले मैं वन को लेके आता हूँ, वन ला लिया, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। मुझे यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं जोसेफ को थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ कम करना चाहता हूँ। तो जोसेफ जो है हमारी थर्ड पे होगी, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से जोसेफ को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ 63 है तो मैं 55 कर देता हूँ, ओके और क्लोज। अब वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हम एनिमेशन देते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे जो लेयर्स हैं उनको इनविजिबल कर देता हूँ यहाँ से। फोटोशॉप में भी आपने देखा होगा इसी तरीके से इनविजिबल किया जाता है, और ये रेड वाली को भी इनविजिबल करना है, मुझे सिर्फ ब्लू वाली को रहने देना है लेयर को। तो ठीक है, यहाँ पर जो है ब्लू लेयर जो है दो नंबर पर है, तो इस पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टूल नंबर की लेयर को, और यहाँ पर चलते हैं हम कंट्रोल इफेक्ट कंट्रोल सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू वाली रेक्टेंगल है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, खड़ी हुई है, कोई एनिमेशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लू वाली रेक्टेंगल है वो कितने देर के बाद आके यहाँ पर रुकना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से, चलिए इतने में आने कि वो आके वहाँ पर रुक जाना चाहिए। इस तरीके से मैं की फ्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मोशन के अंडर में जो है पोजीशन है और स्केल है। पोजीशन में हम लेफ्ट राइट अप डाउन ये चीज़ें कर सकते हैं। स्केल में जो है हम जो है रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोजीशन की ज़रूरत है, पोजीशन हमें चेंज करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक की फ्रेम में क्लिक करता हूँ, तो ये वाइट कलर की फ्रेम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो यहाँ पर आके रुक जाएगा वीडियो। अब मैं इसे होम पर ले जाता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, यानी इधर से जो है ब्लू रेक्टेंगल इस तरफ से निकल के आना चाहिए। तो हम इसे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। आप देखिए वैल्यू चेंज हो रही है और एनिमेशन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है की फ्रेम आपकी तैयार हो जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं की फ्रेम एक दिख रही है आधे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए ये एनिमेशन तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रीव्यू कर, काफ़ी फास्ट है वैसे, ओके नो प्रॉब्लम, इतना फास्ट है। तो मैं इसे और ड्रैग कर देता हूँ इस तरफ, अब देखते हैं थोड़ा स्लो हुआ है क्या। हाँ, और थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग करता हूँ इतना,
अब देखते हैं, और भी स्लो हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके जो है कंप्लीटली जो है ब्लू रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है, यहीं पर आना चाहिए उसे। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो रेड वाली हमारी रेक्टेंगल थी उसका काम चालू होगा यहाँ से। तो रेड रेक्टेंगल जो है ये हम शो करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसे विजिबल कर दिया है, यहाँ से ये स्टार्ट होगी। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, और रेजर यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, जिसकी शॉर्टकट सी है कट, और यहाँ पर कट लगा देना है। और यहाँ से सिलेक्ट टूल आपको सिलेक्ट करना है, ये एरिया आपका सिलेक्ट है, और इसे डिलीट कर देना है। डिलीट अपने कीबोर्ड से प्रेस किया मैंने, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उस, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ब्लू वाली आने के बाद ये रेड वाली जो हमारी लेयर है वो फिर उसका काम चालू होगा, यानी वो एनिमेशन होगी। तो उसका जो है पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम रेड वाले रेक्टेंगल को एनिमेशन देते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर आके मेरे कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका एनिमेशन, और इस पोजीशन में ही होना चाहिए। तो मैं ये पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब हम स्टार्टिंग में चलते हैं, यानी कि उसका एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया मैं, और मोशन पे मैंने क्लिक किया। ये आप यहाँ पर एंकरिंग पॉइंट देख सकते हैं, और ये इस तरीके से फ्री ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड वाली जो है 01 लेयर सिलेक्ट है। तो इसे मैं इस ब्लू वाले रेक्टेंगल के पीछे हाइड कर देता हूँ, छुपा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है की फ्रेम लग चुकी है यहाँ पे, और क्योंकि हमने यहाँ से किया इस बार, यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं की है। और अब हम देखते हैं इस तरीके से प्रीव्यू, ये देखिए कैसे धीरे से ये जो है एनिमेशन होती है रेड वाली, ये इस तरीके से। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने दो लेयर पे एनिमेशन दे दिया है, अभी तीसरे पे हम एनिमेशन देने जा रहे हैं। ये हमारा लोगो है, इसे हम एनिमेशन देते हैं। ये जो अभी अपनी जगह पे है वहाँ पर इसे की फ्रेम लगा देता हूँ। तो यहाँ पर से जो है जिस हमने जो रेड वाला जो कंप्लीट हुआ था उसके थोड़ा सा पहले मैं इसे लगा देता हूँ, लेकिन इस बार मैं नंबर 4 की लेयर सिलेक्ट करता हूँ जिस पे हमारा लोगो है। और यहाँ पर जो है हमें इसकी वैल्यू चेंज करना है, यहाँ पोजीशन में मैं की फ्रेम लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब क्या करूँगा, मैं सीधा होम पे चले जाता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ आप देख सकते हैं ये लोगो जहाँ था वहीं पर खड़ा हुआ है। अभी पोजीशन में जाके इस तरफ से, ठीक है, इतनी रख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो ब्लू वाले रेक्टेंगल आ रही है उसी के साथ हमारा लोगो आ रहा है, बट ऐसा हमें नहीं करना है। जहाँ से ब्लू रेक्टेंगल ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर रुक रहा है, यानी कि वो यहाँ पर आगे रुक जा रहा है। ओके, यहाँ पर जो है हमारा ब्लू रेक्टेंगल आके कांस्टेंट रुक जाता है। तो यहाँ से हमें एनिमेशन स्टार्ट करना है वो। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से कट लगा देता हूँ, या फिर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, जैसा हमने इस वाले लेयर पे लगाए थे, तो वहीं पर आपको रखना है और सी प्रेस करना है यहाँ से, या फिर रेजर लेना है और कट लगा देना है। और सेम हमें टेक्स्ट पे भी करना होगा बाद में, लेकिन वो अभी नहीं करता, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। वी से सिलेक्ट किया, डिलीट। ओके, अब जो है यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 04 सेलेक्ट किया मैंने, और इस एंडिंग वाले की फ्रेम को यहाँ पर ला लिया, और स्टार्टिंग में
ये चले जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, अब हम देखते हैं प्रीव्यू, ये पहले ब्लू आई फिर एनिमेशन, ठीक है, ओके डन। दोस्तों ये जो है हमने तीन चीज़ों को अभी एनिमेशन दे दिया है यहाँ पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे और टेक्स्ट पे एनिमेशन देते हैं। सबसे पहले मैं इसे भी कट कर लेता हूँ यहाँ पे, और वी से सेलेक्ट किया डिलीट, ओके। ये यहाँ से अभी ये जीरो हमें विजिबल कर देना है टेक्स्ट को, और 03 नंबर की लेयर सेलेक्ट करना है। और यहाँ से हम चलते हैं अभी इफ़ेक्ट पे, इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्रॉप सर्च करते हैं, क्रॉप, ये क्रॉप आ गया। क्रॉप इफ़ेक्ट को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है 03 के ऊपर। तो दोस्तों ये क्रॉप इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर लेयर पे ड्रैग कर दिया है। अब हम चलते हैं इस जो लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आ गए हम। अब इसे जो है मैं ड्रैग कर देता हूँ लेफ्ट साइड में क्रॉप को, और इस तरीके से आप देखिए क्रॉप होते हुए दिखेगा। मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि काफ़ी हेल्प हो जाएगी मुझे इस तरीके से देखने में फिर, और इस शेप एरिया जोन को मैं अभी का हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्रॉप किया, ये पूरा मैंने यहाँ से गायब कर दिया बस, ठीक है। अब हम एक एक फ्रेम जो है आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ से जो है राइट साइड पे हम ये लगा देते हैं की फ्रेम, और क्रॉप सेलेक्ट कर लेना है। अब चलते हैं हम 1 फ्रेम पर सेकंड पे, राइट साइड का एरो मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए एक एक बार हम एक एक स्टेप जो है प्रेस करते हैं तो इस तरीके से लोगो सामने आ रहा है। इस तरफ का सिलेक्ट होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। और ये मैंने एक फ्रेम बढ़ाया, यहाँ से भी एक फ्रेम बढ़ाया, यहाँ से फिर सिर्फ इस तरीके से, जैसे जैसे लोगो बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टेक्स्ट भी जो है क्रॉप होते जा रहा है, यहाँ फ्रेम लगते जा रही है, यहाँ राइट साइड की फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है पूरा लोगों को फॉलो कर लिया है। थोड़ा सा आगे जाके अब मैं इन सारे वीडियो को यहाँ पर जाके कट कर देता हूँ, सी 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 सी। अब मैं इसे सारे जो कट किए हैं मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट डिलीट, और इस तरीके से जो है हमने स्टार्टिंग एनिमेशन दे दिया है। अब मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट, तो ये जो है एक सीक्वेंस हमारा क्रिएट हो गया, और इसमें जो है स्टार्टिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बैक भी जाना है स्मूथली इसी तरीके से, तो हमें इतनी सारी मेहनत नहीं करना है, सिंपली बहुत ही आसान है। अगर आप ये आपको लगता है थोड़ा सा यानी फास्ट आ रहा है तो आप राइट क्लिक करके इसकी स्पीड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्पीड एंड ड्यूरेशन यहाँ 100% है, थोड़ा 80 कर दीजिए तो जो है आपकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा वो, ठीक है। सिप मैं इसकी अब क्या करूँगा, एंडिंग में यही एनिमेशन रहेगा लेकिन रिवर्स में हो जाएगा ये, तो जस्ट कीबोर्ड से अल्टर बटन प्रेस करना है और ये वीडियो टू हमारी टाइमलाइन पे ही पेस्ट कर देना है, या फिर ड्रैग करना है या फिर कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन मैं ये शॉर्टकट अल्टर होल्ड करके रखता हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से उठा के इसे यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, रिवर्स करना है, जस्ट राइट क्लिक हियर एंड स्पीड एंड ड्यूरेशन पे क्लिक करना है और रिवर्स स्पीड कर देना है इस बार बस, और ओके। अब आप देखिए ये आया, ये अभी स्मूथली चले भी गया और वो क्लोज भी हो गया, ओके। फुल स्क्रीन में देख लेते हैं एक बार हम इसे, ओके।
दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे जो भी आने वाले वीडियो होंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगी। और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।